मुंह के छाले यानी कि माउथ अल्सर ये एक आम समस्या है जो कि हर किसी के साथ हो सकता है। और अगर आप माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छाले से पीड़ित है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये जरूर चाहते होंगे कि मुझे इसका क्विक से क्विक ट्रीटमेंट जरूर मिले। तो फिर ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको ये माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छाले हो क्यों रहे हैं। अगर आप मेरे बातों को ध्यान से सुनते हैं और आप ये वीडियो पूरे देखते हैं तो आपको मैं लिख कर दे सकता हूँ गारंटी के साथ कि आपको पूरे जिंदगी में माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छाले कभी नहीं होंगे और आपको इससे रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छाले आ रहे हैं आपके बॉडी के अंदर का गर्मी का लेवल बढ़ जाने की वजह से, और ये गर्मी का लेवल बढ़ता है बहुत सारे ऐसे कारण से, जैसे कि आपको कब्ज का प्रॉब्लम रहता है तो उसकी वजह से हो सकता है, और जैसे कि आपको इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती है तो उसके वजह से बढ़ सकता है, और जैसे कि आप अगर हेवी मील खा लेते हैं या फिर चटपटा खा लेते हैं या फिर मसालेदार खा लेते हैं या फिर आप बहुत ही हॉट फूड खा लेते हैं तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके वजह से क्या होगा, ये माउथ के अल्सर आपको आ सकते हैं। और दूसरी चीज कि अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो उसके वजह से आपको ये मुंह के छाले आ सकते हैं। और भी बहुत सारे छोटे मोटे कारण हैं जिसकी वजह से आपको ये मुंह के छाले आ सकते हैं, लेकिन ये मुख्य दो कारण हैं जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम जानते हैं क्या है इसका इंस्टेंट ट्रीटमेंट जिससे कि हम छालों से बहुत जल्द राहत पा सकते हैं। पहली चीज कि जब भी आपको माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छाले हो जाए तो आपको क्या करना है, फास्टिंग करना है यानी कि व्रत रखना है। उसके दौरान आपको क्या करना है, फ्रूट खाना है, फ्रूट का जूस पीना है या फिर किसी भी प्रकार का लिक्विड पीना है और सलाद खाना है, क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका अंदर की बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे इसकी वजह से नॉर्मल आने लगेगी और आपका जो ये कब्ज का समस्या भी रहता है तो उससे भी ये ठीक कर देगा। और दूसरी चीज आपको इस टाइम पे दही का सेवन ज़्यादा करना है, क्योंकि दही में विटामिन B12 होता है और आपके बॉडी के अंदर विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी है उसे ये पूरा कर देगा। यह तो हो गया जड़ से हटाने का तरीका, लेकिन अगर आपको ये माउथ अल्सर बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है या आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आपको मैं एक इंस्टेंट ट्रीटमेंट बताता हूँ जिससे कि आप एक दिन में अपने माउथ अल्सर से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, आप बाज़ार से कॉपर सल्फेट ले आए हैं, वो क्या होता है, नीला थोता इसे कहते हैं, वो आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप पानसारी की दुकान पर चला जाइए, वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी की तरह से ये कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। देखिए, ये कॉपर सल्फेट क्या होता है, ये ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है जिसे कि आप तवे पर पहला भून लीजिए और भूनने के बाद ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, तब आप क्या कीजिए, इस पाउडर को आप अपने छालों पर लगाइए और अपने सलीबा को बाहर बहने दीजिए। इसे निगलना नहीं है क्योंकि ये टॉक्सिक होता है और आपके साथ प्रॉब्लम कर दे, इसीलिए आप अपने छालों पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे ये कॉपर सल्फेट का पाउडर लगाइए और उस लार को जो आपको लार आ रहा है उसे आप बहने दीजिए। इस तरह करने से आपका ये माउथ अल्सर का प्रॉब्लम एक दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आपको ये अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आप ग्लिसरीन का यूज कीजिए उसी तरह से, और अगर आपको ग्लिसरीन भी अवेलेबल नहीं हो सकता है तो आप क्या कीजिए, घर का ही रिमेडीज का यूज कीजिए, जैसे कि नमक पानी का कोला करना, बेकिंग सोडा पानी का कोला करना। आपको क्या करना है, उस कोले को कुछ देर अपने मुंह में रखना है और उसके बाद फेंकना है और उसी तरह से आपको कोला करना है। ये तो हो गया इसका इंस्टेंट ट्रीटमेंट, लेकिन अगर आप ये माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छाले को परमानेंटली इलाज कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जिस कारण से बढ़ा है उस कारण को आप इलाज करवाइए। जैसे कि आपको कब्ज वाली समस्या रहता है तो आप कब्ज का इलाज करवाइए, जैसे कि आपको इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम रहता है तो आप इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम को ठीक कीजिए, और आप हेवी मील से बचिए, चटपटा खाने से बचिए, और दूसरी चीज आप ऐसे समय पे दही का सेवन ज़्यादा कीजिए क्योंकि दही में विटामिन B12 होता है और आपका अंदर जो विटामिन B12 का डिफिशियंसी है उसे ये कम कर देगा। और ये दही वाली फार्मूला आप पे बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि ये दही बहुत ही आसानी के साथ आपको मिल जाएगा, गांव हो या शहर हो या मार्केट हो, कहीं पे भी आपको दही बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगा और ये दही वाली फार्मूला आप पे बहुत ही अच्छा काम करेगा। हम लोग मिल्क को एक कम्प्लीट फूड मानते हैं
और मिल्क का ही एक प्रोडक्ट है ये दही। दही से आपको बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट भी मिलते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपको 10 ऐसे होम रेमेडीज बताएंगे जिससे क्या होगा, आपको ये मुंह के छाले यानी कि माउथ अल्सर जिंदगी में कभी नहीं होगा। सबसे पहला नंबर पर आता है अवॉइड स्पाइसी हॉट एंड सावर फूड। जी हाँ गाइज, आपको क्या करना है, गर्म खाना नहीं खाना है, खट्टा खाना नहीं खाना है और तीखा खाना नहीं खाना है। दूसरे नंबर पर ड्रिंक मोर वाटर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पे पानी पीना है। तीसरे नंबर पर साल्ट वाटर रिंज यानी कि आपको नून पानी से कुल्ला करना है। नंबर चार, आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा पानी का कुल्ला करना है। नंबर पाँच, अप्लाई आइस यानी कि आपको बर्फ का यूज करना है अपने छालों पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। नंबर सिक्स, हनी और कोकोनट ऑयल, आप मध का या फिर नारियल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर सात, आप एलोवेरा का भी यूज कर सकते हैं अपने छालों पे पेस्ट की तरह। नंबर आठ, आप क्या कर सकते हैं, हल्दी का पेस्ट बनाकर अपने छालों पे भी रख सकते हैं या फिर आप हल्दी और पानी का भी कुल्ला कर सकते हैं। हल्दी से क्या होगा, आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा और दर्द उससे कम हो जाएगा। नंबर नाइन, आपको क्या करना है, टॉपिकल ऑइंटमेंट को यूज करना है। आपको मार्केट के अंदर बहुत ही आसानी से मुंह में लगाने वाला ऑइंटमेंट मिल जाएगा और उसे आप यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको बहुत जल्दी एनेस्थेस कर देगा यानी कि उसमें जलन पीड़ा कुछ भी नहीं होगा आपको। नंबर 10, आप अपना मुंह को साफ कीजिए क्योंकि आप अगर अच्छी तरह से ब्रश नहीं करेंगे, अच्छी तरह से कुल्ला नहीं करेंगे, खाना खा लेंगे उसमें फंसा रहेगा खाना, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अपने माउथ को साफ रखने में ज़्यादा ध्यान दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। गाइज, अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं और इस होम रेमेडीज को यूज करते हैं तो आपको जिंदगी में कभी भी माउथ अल्सर का दर्द नहीं सहना पड़ेगा, आपको ये माउथ अल्सर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। गाइज, ये हेल्थ टिप्स जान के आपको कैसी लगी, चार सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज है या फिर सजेशन है वो भी आप दे सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।